इस नए वर्ष में सदगुरु कबीर साहब का आश्रम प्रस्तावित किया गया है, जिसका संकल्प साहब की दया से मुझे प्राप्त हुआ है और उसी के सहयोग के लिए आप सभी से भूमि दान हेतु सहयोग की अपेक्षा है। तो आपसे जितना हो सके, जितना बन पड़े, जैसा भी, नीचे स्क्रीन पर मोबाइल नंबर दिए हैं, उस मोबाइल नंबर के जरिए आप अपनी सेवा हम तक भेज सकते हैं, और व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए आप मुझसे सीधे संपर्क में रह सकते हैं। सतगुरु कबीर कहते हैं, तीन दोष तेरे तन का कहिए, तीन दोष तेरे तन का कहिए, तीन दोष है मन का, चार दोष वचन का कहिए, और दोष नहीं दिल का। यार लोग सत्संग में बैठते हैं तो चार घंटे बीड़ी नहीं छोड़ सकते, चार घंटे तमाकू खाना नहीं छोड़ सकते, दो घंटे बाथरूम जाना नहीं छोड़ सकते, और हम सोचते हैं कि हम इस दुनिया का कुछ भला करते हैं। अपनी छोटी छोटी आदतों को बदल नहीं सकते, थोड़ी देर के लिए रोक नहीं सकते। मैं हर जगह एक बात कहता हूं, एक आदमी घर का बाहर निकले रोज और सवेर शाम दो टाइम चिल्लाए, मुझे सरपंच बना दो, मैं गांव की तकदीर बदल दूंगा, मुझे पार्षद बना दो, मुझे मंत्री बना दो, मैं गांव की तकदीर बदल दूंगा, मैं लोगों के भाग्य बदल दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। उसकी पत्नी रोज सुनती थी कि नास को मिटियो नेठू माथो खाइयो रोज। वो घर में से बाहर निकली और कहने लगी कि नास का मिटिया, पहला थारो पजामो तो बदल ले, तीन दिन से मारी सलवार पेरी के फिरी रियो रे तू। क्या हम भगवान को पाएंगे, क्या हम कबीर की बात करेंगे और क्या हम कबीर पंथी कहलाएंगे? यार हम दो घंटे बीड़ी नहीं छोड़ सकते, दो घंटे हम तमाकू खाना नहीं छोड़ सकते। आपको एक 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 बात और मैं कह देता हूं, ये जो सुमरण करने की बात होती है ना, वहां पे मैंने बताई थी, जब आदमी पद्मासन में बैठता है तो 48 मिनट लगते हैं उसको पांव के अंगूठे से लगा के उसकी कमर तक को सुन्न होने में, 48 मिनट। हम 10 मिनट नीचे जमीन पे 10 मिनट आराम से नहीं बैठ सकते, एक जैसे 10 मिनट नहीं बैठ सकते, 48 मिनट कौन माई का लाल बैठेगा? 5 ज्ञान इंद्रियां और 5-10 इंद्रियां, जो इंद्रियों को जीत लेता है वो इंद्रजीत कहलाता है, जितेंद्रिय कहलाता है। पांचों चोर बसे काया में, उनकी पकड़ कस कर चोटी, पांच ने मार 25 बस कर ले, जद जानू थारी रचपूती। मैं पहलवान हूं, मैं पहलवान हूं, काय का पहलवान, एक बीड़ी के आगे हार गया रे तू, घड़ी घड़ी जेब में हाथ जाए, पीऊं कि नहीं पीऊं, अन आई सत्संग आई चली रही तो आई मुंडो कर लियो, नहीं चेत डूब मर। इसलिए कबीर कहते हैं, यो पागड़ी बांधे पेट संवारे और तेल लगावे जुल्फन में, कहे कबीर सुनो भाई साधु ये क्या लड़ेगा रण में, यो कहीं रण में लड़ ले भयो, अरे यो मार खेन घर आएगो क्या हुआ? ए हंसा ए जीवड़ा तू बड़ भागिया, जो पड़ा समंदर तीर हंस होके चुग लेना अब नाम अमोल। हमने यार अपने जीवन को हमने कितना हल्का कर दिया, इसकी कीमत हमको अभी भी समझ में नहीं आ रही। खाना पीना सो जाना ये कर्म है पशु समाना, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, लेकिन पशु पक्षी में
किसी में तीन तत्व होता है, किसी में चार तत्व होते हैं, हमारे अंदर पांच तत्व है। तो कुछ तो प्रकृति ने हमको सोच के बनाया होगा, लेकिन हम उसके महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं। और हमारी समाज की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। घर में जो बड़ा बेटा होता है, माता पिता की उससे अपेक्षा होती है कि मेरा बेटा, मेरा सारा वजन अब वो उठाएगा। ऐसे ही समाज में जितने हमारे युवा साथी हैं, पूरी समाज का दायित्व, आने वाली संतति का दायित्व भी नौजवानों के कंधे पर है। इसलिए नौजवान हमारे ये विचार करें कि हमको ये जो जीवन मिला है ये बहुत अनमोल मिला है। इसलिए हम गलत संगति नहीं करेंगे, गलत खान पान में नहीं फंसेंगे और अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे, खुद का व्यापार करेंगे, गुलामी की जंजीरों से दूर रहेंगे, अंधविश्वास और पाखंडवाद से दूर रहेंगे। एक इंसान का सच्चा भगवान जो होता है उसका कर्म होता है, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज का हमारा नौजवान कर्म करने के बजाय जब सावन का महीना आता है तो वो बेवकूफ कर्म करने के बजाय वो मंदिरों की परिक्रमाओं पे जाता है, जबकि उसे कर्म करना चाहिए। और जिसने जिसने कर्म किया है, जिसने सत्कर्म किया है, परमात्मा उसके द्वार पर आए, उसका नाम इस संसार में हुआ है। मंदिरों में जाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि सदगुरु कबीर ने कहा है, संपुट माही समाविया सो तो साहब नाई, और सकल मांड में रमी रहा मेरा मालिक सोई। हम उस परमात्मा की के दर्शन करने जा रहे हैं जिसको अपनी मर्जी से अपन ताला लगाए तो वो ताले के भीतर नहीं जाता। वो 10x10 के मकान में रहना पसंद कर ले वो परमात्मा, जिसकी सुरक्षा के लिए हमको सीसीटीवी कैमरे लगाने पड़ते हैं, जिसकी सुरक्षा के लिए चौकीदार खड़े करने पड़ते हैं, उस भगवान के लिए हम अपने कर्म त्याग करके और अपना अनमोल जीवन उसके पीछे लगा रहे हैं। कबीर कहते हैं, जो इतने से मैं समा जाए मेरा परमात्मा वो नहीं है, मेरा परमात्मा तो वो है कि ये जैसी धरती है ऐसी हजारों सृष्टि जिसके भीतर समा जाए ऐसा मेरा परमात्मा। चार भुजा के भजन में भूल गए सब संग, कबीरा सुमरे तासु को जाकी भुजा अनंत। लोग मूर्तियों के चक्कर में पड़ करके और अपने जीवन को खराब कर रहे हैं। पूजो, पूजने में कोई आपत्ति नहीं है, आप पूजिए, शौक से पूजिए, लेकिन अपने कर्मों को जान करके, अपने कर्तव्य को जान करके फिर पूजिए। समय मिले तो पूजिए, लेकिन अपने कर्म तो कीजिए। माँ बाप घर में दुखी है और हम भंडारे करते फिरते हैं, नवरात्रि में हम माताओं का पूजन करते हैं, माँ नौ दुर्गे का पूजन करते हैं। संतों ने कहा कि जब औरंगजेब आया था, सोमनाथ के मंदिर लूटे थे, नगर कोट आया था, ये इतिहास है सर, सुनना मेरे नौजवान साथी, जब सोमनाथ के मंदिर लूटे, जब वो नगर कोट आया था, वहां ज्वाला जी का मंदिर है, नगर कोट में ज्वाला जी का मंदिर है, वो ज्वाला जी की मूर्ति को खंडित कर दी, तोड़ दी उसने, और तोड़ने के बाद भी उसका पेट नहीं भराया तो उसने क्या करा, उस मूर्ति को लिया और उससे बाट बनवाया। बाट सामान तोलते हैं कि नहीं, जिससे वो बाट बनवाया, और बाट बना के भी उसका पेट नहीं भरा तो उसने क्या करा कि उस बाट से क्या तुलवाया, गाय कटवाई और गाय का मांस तोल तोल के दिया उस बाट से। किस देवी की पूजा कर रहे हैं आप? जो अपनी रक्षा ना कर सकी वो अपने बेटों की रक्षा क्या करेगी? वो ऐसे आता था ये अत्याचारी की रक्षा ना कर, उससे बदला ना ले सकी, उसको रोक ना सकी, सोम
सोमनाथ के मंदिर तोड़े गए, करोड़ों की संपत्ति अरबों की संपत्ति हमारे देश से लूट करके ले गए, ऐसे अत्याचारी हुआ रतताई, हमारा भगवान देखता रहा। समुद्र पाटी लंका गए सीता को भरतार, ताही अगस्त मुनि पी गए इसमें कौन करतार, कौन है इसमें भगवान। सात समंदर पार वो सीता को लेने के लिए राम जी गए, वो सेतु बनाया और उसी सागर को अगस्त मुनि एक ही भुटके में यूं पी गए, पूरे सागर को ही पी गए। तो फिर राम जी बड़े कि वो अगस्त मुनि बड़ा। कांटे बंधन विपत्ति में कठोर कियो संग्राम, अरे चीनोर एनर प्राणिया गरुड़ बड़ो की राम, वो राम जी को नागपाश में बांध दिया मेघनाथ ने, जो अस्त्र चलाया तो नाग से उसको बांध दिया, राम जी को बांध दिया, अब मूर्छित पड़े सब। तो गरुड़ आया और गरुड़ ने अपनी चोंच से वो नाग को काट के उनको बंधनों से मुक्त कराया। वाहो मेरे राम जी। कबीर कह रहे वो दुनिया का लोग हो और आंख खोली के देखो तो सही कि यो गरुड़ बड़ो है कि राम जी बड़ा है। तीन लोक सब राम जपत है जान मुक्ति को धाम, राम चंद्र वशिष्ठ गुरु किया जिनने कहीं सुनायो नाम। रामचंद्र जी तीनों दुनिया के तीनों लोकों के मुक्तिदाता है भगवान श्री राम। बोले हाँ ठीक है मान ली बात, लेकिन उनने गुरु किसको बनाया, वशिष्ठ जी को, तो वशिष्ठ जी ने गुरु मंत्र को दिया होगा ना, तो राम जी के कान में उनने किसका मंत्र सुनाया कि किसका नाम जपना है, तो सोचो राम जी से बड़ा वो मंत्र हुआ कि नहीं हुआ, वो क्या था चक्कर में। राम कृष्ण अवतार है इनकी नहीं है मांड, और मेरा साहब जिसने संसार रचा वो कबहू ना जन्मिया रांड। कबीर का वो कभी किसी स्त्री के गर्भ से पैदा ही नहीं होता है क्योंकि उसको जन्म लेने की जरूरत ही नहीं है। वो परमात्मा तो ऐसा है कि अपनी एक पलक झपका दे तो सृष्टि का सर्वनाश हो जाए, लेकिन वो क्यों उतार लेगा, वो एक कंस को मारने के लिए उतार लेगा, वो एक रावण को मारने के लिए उतार लेगा, जिसको इस प्रकृति ने पैदा किया है प्रकृति उसको विनाश करने की ताकत रखती है, उसके लिए उस अविनाशी को आने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्या करें हम अंधे लोग हैं, हमारे तो पूंछ पकड़ ही दी नाना रे, बोले कहीं यो कमंडल हो कहीं भी पकड़े जो डंडो दीदी अपन कहीं कमंडल ली नहीं जिंदगी हालात। एक गुरु ने अपने शिष्य को लालटेन दे दी, लालटेन दे दी, शिष्य तो अंधा था, उन्हें क्यों गुरु महाराज ये लालटेन आपने दे दी लेकिन हमारे इससे कहीं मतलब ही नहीं पड़े। वो बेटा बेटा थारे मतलब पड़े या नहीं पड़े लेकिन थारा हाथ में लालटेन रहेगी तो कम से कम दूसरे लोग तो तुझसे नहीं टकराएंगे अंधेरी रात में, तू तो अंधा है लेकिन कम से कम दूसरे लोग तो नहीं टकराएंगे। बंदा के लालटेन दी तो बंदो तो अंधो, तो अपनी मस्ती में चले यूं देखो ना आप, किसी किसी को वो ऐसी मस्ती में चलता है अकड़ में तो वो लालटेन के पकड़ ली यूं अन यूं चले यूं दो हाथ सब घासले डीजल पेट्रोल जो थो को सब ढोल, वो चार कदम भी नहीं चले बुझे ही दियो के अन ऐसे ही अकड़ में चलते फिर बोले महाकन तो लालटेन है। यही हालत हमारी है कि बेटा तीरथ में तो सब पानी है होवे नहीं कुछ नहाए देखा, ये प्रतिमा ये पत्थर सारा जड़ है बोले नहीं बोलाए देखा, तीरथ व्रत विष बेलड़ी तीन लोक रही छाए, कबीरा मूल निकल दिया कौन हला हला खाए, ये जहर है। अब देखो आप परंपरा देखो, घर में कोई मर जाता है तो सवा महीने तक उसका सूतक पालते हैं, क्या बोलते हैं कि सूतक
घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका सूतक मनाते हैं, किसी के घर आते जाते नहीं, कोई शुभ कार्य नहीं करते, बोले हमारे घर में कोई मर गया है सूतक। जबकि सदगुरु कबीर क्या कहते हैं कि असली सूतक कौन सा है, काम क्रोध सूतक सदा और सूतक लोभ समाए और सील सरोवर नहाई है जब ये सूतक जाए। ये काम क्रोध लोभ मोह ये तो हमारे भीतर 24 घंटे फंसा पड़ा है, तो इसको तो हम धोते नहीं और घर में मर गया है तो उसका सूतक मान के सवा महीने तक उसका पालन करते हैं। देखो रे अंधेरी दुनिया। नामदेव संत एकनाथ जी महाराज, इतिहास में दर्ज है ये घटना, एकनाथ जी महाराज ने रामेश्वरम से जल भरा, गंगोत्री से जल भरा कावड़ और रामेश्वरम में जल चढ़ाने आ रहे हैं। संत एकनाथ जी महाराज की कथा है, जब वो कावड़ लेकर के बोल बम करते हुए जा रहे हैं तो रास्ते में देखते हैं कि एक गधा पानी के लिए तड़प रहा है। पानी के लिए तड़पता देख करके उनके दिमाग में एक बात याद आई कि मेरे गुरु ने क्या कहा, मेरे गुरु ने कहा था कि बेटा आरती की थाली सजा करके परमात्मा के द्वार ना जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी प्यासे को पानी जरूर पिला देना, किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी की सहायता कर देना, किसी की मदद के लिए सदैव तत्पर और तैयार रहना। और अगर तूने ऐसा कर लिया तो जरूरी नहीं है कि तू मूर्ति की पूजा करे या तू मूर्ति को 56 भोग लगाए या तू बाबा भोलेनाथ को वहां से गंगोत्री से जल चढ़ाने रामेश्वरम में जाए। याद आ गई एकनाथ जी महाराज की। लोग निकलते चले जा रहे हैं, बोल बम करते जा रहे हैं, एकनाथ जी ने कावड़ उतारी, ढक्कन खोला और गधे को वो पानी पिला दिया। और गधे को पानी पिला दिया तब आकाशवाणी हुई कि धन्य है एकनाथ। किसी ने कहा है कि सुख दिया से सुख मिले, दुख दिया से दुख मिले, नेकी का बदला नेक है, बदों की बदी देख ले। तू इसको दुनिया मत समझ, ये भव सागर की मझधार है, तू औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा बेड़ा पार। वरना कितनी ही आरती गाए, कितनी ही मंदिरों में पूजा पाठ करे, कितने ही यज्ञ हवन करेगा, लेकिन सब बेकार चला जाएगा। लेकिन क्या करें, ये दुनिया अंधी है। सदगुरु कबीर कहते हैं